रैकेट्स होते हैं, लाइक कोलकाता का कोई रैकेट मैंने सुना है कि एडॉप्शन सेंटर के नाम पे बच्चों को बेचा जाता है। ये जो बच्चे जो होते हैं those are predominantly orphaned या फिर लोगों ने उसे abandon किया हुआ है। एक hypothetical example, कोई teenage pregnancy का केस है या फिर unmarried woman का एक केस है या फिर कोई गर्ल चाइल्ड को abandon किया गया हुआ है एंड देर इज नो वन विलिंग टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, फिर वो हॉस्पिटल में छोड़ जाते हैं, पेरेंट चला जाता है या फिर पेरेंट वो बच्चे को कहीं पे भी छोड़ देता है, टॉयलेट के बाहर या फिर जंगल में या फिर गार्बेज कचरा कूड़ादान में छोड़ देते हैं वो। तो वो अगर लीगल तरीके से ना हैंडल किया जाए तो एट दैट टाइम वो चले जाते हैं इन दिस काइंड ऑफ थिंग एंड देयर इज अ मॉनेटरी इंसेंटिव आल्सो। आप देखो अगर आप लीगल प्रोसेस फॉलो करते हो तो आज की डेट में 3 से 4 साल लगेंगे आपको एक बच्चा गोद लेने के लिए। क्या अपने पास इतना पेशेंस है टू वेट फॉर 3 years 4 years टू अडॉप्ट अ चाइल्ड? शायद नहीं। So, ये एक बड़ा इंसेंटिव है टू गो टू ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट। बच्चे को कितने में बेचा जाता है? ऐसा कोई फिगर नहीं है।